गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से मैं भारतीय संविधान पर लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मैंने भारतीय संविधान की शुरुआत अपने इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए पहले ही कर दिया है। अब मैं ये जो वीडियो है ये मेरा पूरी तरह से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। जहाँ तक आप जानते हैं कि मेरे क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चल रही है और मैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से करंट को जीएस से जोड़ने का प्रयास करता हूं, जो कि वर्तमान में पेपर के पैटर्न को ध्यान में रख करके मैंने शुरू किया है। लेकिन अब मैं यहां आपको थोड़ा सिद्धांतों की समझ देने के लिए हर एक विषय की शुरुआत करूंगा। तो मेरा जो पहला वीडियो है, जो सब्जेक्ट है, मैं वो संविधान से शुरू करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ज्योग्राफी पे आऊँगा, फिर इतिहास पे आऊँगा और बाकी जो करंट का जो मेरा सेट है, सेट वन, सेट टू, सेट फोर के नाम से वो चलता रहेगा। तो यहाँ जो मैं भारतीय संविधान शुरू करूँगा, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत चीज सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ने के कारण और भी बड़ा हो जाता है। ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, आप यूँ कह सकते हैं। तो थोड़ा आपको धीरज रखते हुए मेरे हर लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सवाल शुरुआत कहाँ से की जाए भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान का जो आज का लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि बताने की शुरुआत करूँगा। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। और ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ये भारत के इतिहास के उस कालखंड से संबंधित है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। और आपको ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। वैसे कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना था, तो कंपनी का मूल नाम भी आपको पता होगा, द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आप ये जानते हैं कि कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये नाम तो धीरे धीरे उस समय ज्यादा फेमस हो गया जब कंपनी का स्वरूप व्यापारिक ना होकर के प्रशासनिक हो गया। तो कंपनी शुरुआत में व्यापार करने आई, और कंपनी जब व्यापार करने आई तो ब्रिटिश क्राउन ने इसे 15 वर्षों का मोनोपोली दिया था। तो ये 15 वर्षों के मोनोपोली के साथ आई। ब्रिटिश क्राउन ने जब कंपनी को अनुमति दी तो कंपनी को ढेर सारे शेयर होल्डर भी मिल गए। उन शेयर होल्डरों को हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी बोल सकते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी भारत आई तो कंपनी पर सीधा नियंत्रण क्राउन का नहीं था या ब्रिटिश पार्लियामेंट का नहीं था। कंपनी की सारी जिम्मेदारी दो लोगों पर थी, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो मैं दो शब्द बोल रहा हूं, ये कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग थे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मुख्य डिसीजन मेकिंग लोग थे। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो एक कंपनी का मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता था। अब सवाल है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस हुआ। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी को, और एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और कई सारे शेयर होल्डर मिलकर के कंपनी को कहां नहीं चलाते हैं, क्योंकि हर एक डिसीजन हर एक शेयर होल्डर से पूछ करके नहीं लिया जाएगा। इसीलिए ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, इन्होंने चुनाव किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक नीतियों को निर्धारित करते थे। तो यहां ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशन में कंपनी चल रही थी 1858 के पहले। तो अब यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में अंतर समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरुआत क्यों की जाए, क्या इसके पहले कोई एक्ट नहीं बना है।
देखिए, मैं संविधान की परिभाषा, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इनको समझाने से पहले मैं पहले भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे समझेंगे संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, सारी चीजें आएंगी। लेकिन पहले हमें यह समझना है कि किन परिस्थितियों में भारत के संविधान के रूपरेखा तैयार हो। अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्यों शुरुआत की जाए, सवाल ये उठता है, क्या इसके पहले कोई एक्ट नहीं थे? इसके पहले बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन यही वो एक्ट है जिसने कहीं ना कहीं एक तरह से भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हस्तक्षेप की शुरुआत की। अभी तक तो कंपनी क्राउन के हिसाब अभी तो कंपनी सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से चल रही थी, लेकिन इस एक्ट ने कहीं ना कहीं भारत में क्राउन के हस्तक्षेप की शुरुआत की। तो सवाल है 1773 के ही एक्ट को क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है, इसको समझने के पहले हमें थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि को समझना होगा। पृष्ठभूमि क्या है कि देखिए, जब कंपनी भारत आई तो कंपनी ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, खासकर दो युद्धों को जीतने के बाद कंपनी का भारत में पूरी तरह परिदृश्य ही चेंज हो गया। वो युद्ध आप जानते हैं, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। अब ये युद्ध क्यों हुए, कैसे हुए, इसकी चर्चा मैं जब इतिहास पढ़ूंगा तब करूंगा, यहाँ पर उस ऐतिहासिक कारणों का उल्लेख करना जरूरी नहीं समझता हूँ। वो इतिहास में हम समझेंगे कि बक्सर का युद्ध और प्लासी युद्ध की क्या पृष्ठभूमि थी, हालांकि ये बहुत व्यापक बहुत ही सामान्य चीजें हैं, पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता इसकी चर्चा मैं इतिहास में करूंगा। लेकिन प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद कंपनी की स्थिति भारत में मजबूत हो गई, यानी कि जहां प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश शासन की भारत में नींव रखी, वहीं पर बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में एक निर्णायक भूमिका स्थापित की। बक्सर के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज ही भारत में शासन करेंगे। तो इन दो युद्धों को जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली और यहीं से शुरू हुआ भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी बन चुकी थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा था, कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर खुश थे, शेयर होल्डर खुश थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी अपने एकाधिकार को बढ़ाने के लिए हर वर्ष अच्छा खासा अमाउंट पे करती थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4 मिलियन पाउंड हर वर्ष कंपनी पे करती थी अपने इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1773 तक आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के प्रशासनिक या प्रबंधकीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल है वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को उत्पन्न किया और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप किया कंपनी के प्रबंधकीय मामलों में। तो देखिए क्या कारण थे। पहला कारण यह था कि देखिए, सबसे बड़ा कारण 1770 का बंगाल सूखा। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ये अकाल इतना विहंगम था, इतना भयंकर था कि इस अकाल ने भारत को तो तोड़ा ही, साथ ही साथ अंग्रेजों के राजस्व को भी एक तरह से खत्म कर दिया। जो अकाल नहीं तोड़ा, ब्रिटिश सरकार राजस्व कहां से वसूली, जब अकाल है तो ब्रिटिश सरकार राजस्व कहां से वसूली। तो ब्रिटिश सरकार यानी कंपनी के राजस्व में कमी आई। दूसरा पोजीशन क्या हुआ कि 1769 में यानी 1769 में मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि कंपनी और हैदर अली के बीच हुई थी। आपको ये पता होगा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से शुरू हुआ और 1769 तक जाते जाते खत्म हो गया। अब 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और 1769 में ही मद्रास की संधि हुई। इस मद्रास की संधि में कंपनी को हैदर अली को अच्छा खासा जुर्माना या क्षतिपूर्ति
देनी पड़ी, तो कंपनी को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। और दूसरा चीज यह है कि कंपनी जब भारत में आई तो व्यापार करने के साथ साथ उसका जो स्वरूप था धीरे धीरे कई उद्देश्यों में लग गया, जैसे युद्ध करना, संधि करना। तो कंपनी व्यापारिक कार्य के साथ साथ धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों में भी इन्वॉल्व होने लगी। तो इस तरह कंपनी का खर्च बढ़ना शुरू हो गया। और 1773 तक आते आते बंगाल के अकाल ने, मद्रास की संधि ने और इनके ऊपर बढ़ती हुई युद्ध की जिम्मेदारियां, इन सब ने कंपनी पर आर्थिक बोझ इतना ज्यादा डाल दिया कि कंपनी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो अमाउंट भी पे करने के लायक नहीं बची जिस अमाउंट को पे करके वो अपने एकाधिकार को बनाए रखती थी। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के अंदर करप्शन शुरू हो गया था। कंपनी के इम्प्लाई अपने प्राइवेट बिजनेस शुरू कर चुके थे, कंपनी के प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचते नहीं थे, वो इम्प्लाई के बीच में ही गायब होने लगे। अर्थात कंपनी में कुप्रबंधन शुरू हो गया, जिसे आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। तो इन सब चीजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन को कंपनी की तरफ मोड़ दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे, इन्होंने कंपनी की जब ऐसी हालत देखी कि कंपनी उस कंडीशन में आ गई कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास कर्ज मांगने पहुंच गई, और ब्रिटिश क्राउन ये नहीं चाहते थे कि भारत में इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद अब कंपनी वापस आए और कंपनी में ब्रिटिश सरकार का और इंडिया में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कमजोर हो, क्योंकि उसके पहले वो अमेरिका को गंवा चुके थे। अमेरिका में क्रांति शुरू हो चुकी थी, अमेरिका उनके हाथ से निकल जा रहा था। तो अब वो भारत को बचाए रखना चाहते थे अपने पास, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका वाली कंडीशन भारत में आए, कि भारत भी उनके हाथ से निकल जाए। तो भारत में अपनी औपनिवेशिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने कंपनी की कमियों की जांच कराई और रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से कुछ प्रावधान लाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य यही था कि कंपनी को रेगुलेट करना, क्योंकि 1773 के परिदृश्य ने ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह एहसास करा दिया था कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भरोसे बैठना ठीक नहीं है, अगर इनके भरोसे बैठेंगे तो कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। इसीलिए कंपनी को डूबने से बचाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत में पहला हस्तक्षेप है। ये पहला वो कानून है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर भारत में आया था कंपनी के लिए। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो ये जो मैंने आपको समझाया है वो ये समझाया कि क्यों हम संविधानिक विकास की जब बात करते हैं तो 1773 से शुरू करते हैं। इसके पहले बहुत से एक्ट आए हैं, हालांकि मैं जीएस की दृष्टि से ही संविधान पढ़ाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरा जीएस पर ही रहेगा। तो इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक महत्व रखता है, और यहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप शुरू होता है। धीरे धीरे यही 1858 तक जाते जाते ब्रिटिश क्राउन कंपनी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि 1773 से यानी 1858 के पहले का जो भारत में शासन है वो कंपनी का शासन है, और 1858 के बाद जब कंपनी पूरी तरह क्राउन के हाथों में आ जाती है तो हम कहते हैं क्राउन का शासन, जिसको हम आगे समझेंगे। तो ये मैंने आपको 1773 के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने के भारत में जो कारण थे वो मुख्य कारण यही थे, 1770 का बंगाल का अकाल, मद्रास की संधि, कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, इन सब चीजों ने कंपनी को कमजोर किया था। अब यहाँ पर कंपनी के अस्तित्व को बचाने के लिए और भारत में अपनी प्रभुता अपनी बनी बनाई प्रभुता को बचाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का ध्यान इस कंपनी की तरफ गया। तो
तो ये पृष्ठभूमि मैंने आपको समझाई है। अब मैं अगले लेक्चर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को के प्रावधानों की चर्चा करूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक विस्तृत है, काफी विस्तृत सिलेबस है, चाहे एसएससी की दृष्टि से पढ़े चाहे सिविल की दृष्टि से। और संविधान एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, आप इसमें करंट में होने वाली घटनाओं को जरूर जोड़िए। और साथ में ये जो मैंने वीडियो शुरू किया है, लेक्चर शुरू किया है, ये आपको संविधान की समझ बढ़ाने के लिए है। तो वो जो मैं क्वेश्चन की सीरीज पढ़ा रहा हूं उसमें वर्तमान संवैधानिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए मैं संविधान की समझ भी विकसित करना चाहूंगा आपके लिए।